आपके साथ साक्षी। आइए देखते हैं वेस्ट दिल्ली से संवाददाता अभिषेक कपूर की रिपोर्ट। गायकी वो है जो दिलों के तार जोड़ती है, गायकी वो है जो एक नीरस मन में रंग भर देती है। बॉलीवुड में तो कई गायकों को अपनी आवाज़ का जलवा बिखेरते देखा होगा, अपनी आवाज़ से सभी लोगों का मन मोहते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपराध के क्षेत्र में अपराधियों को धूल चटाने के साथ गायकी के क्षेत्र में भी जीत का परचम लहराया है। ये आवाज जो आपने सुनी है ये किसी बॉलीवुड सिंगर की नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के बतौर हेड कांस्टेबल तैनात अजीत कुमार की है। अजीत कुमार पिछले कई सालों से दिल्ली पुलिस के बतौर हेड कांस्टेबल काम कर रहे हैं, लेकिन अब अजीत कुमार सिर्फ हेड कांस्टेबल ही नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल सिंगर बन गए हैं। प्रोफेशनल सिंगर के तौर पर अजीत कुमार ने वैलेंटाइन डे के लिए एक गाना बनाया है जिसका एक पोस्टर लॉन्च किया गया है। इस मौके पर मशहूर गजल गायक अहमद और मोहम्मद हुसैन बंधु भी मौजूद रहे। सभी जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, उस्ताद साहिबान भी हैं, अब सभी लोग बॉलीवुड में भी सिंगल ट्रैक ही रिलीज़ करते हैं, सीडी और कैसेट खत्म हो चुका है। करेक्ट। तो डिजिटल मीडिया का दौर है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितने भी लोग आप लोग सभी लोग माध्यम से ये गाना रिलीज कर रहा हूँ। आपसा यार एक लव सॉन्ग है, एक प्यार के प्रतीक के लिए प्यार का भाव प्रकट कर रही इस गाने में मैं और मेरी को आर्टिस्ट सोनू खन्ना जी, और इस गीत को लिखा है राजा अलाउद्दीन खान जी ने और संगीत से सजाया है जयदीप और इनाम। अजीत कुमार पुलिस की नौकरी के साथ उस्ताद अहमद और मोहम्मद हुसैन के सानिध्य में गाने भी गा रहे हैं। उन्होंने बताया ये बेहद खास गाना है और इससे पहले भी उन्होंने कई गाने गाए हैं। वही मशहूर गजल गायक बंधु ने भी दिल्ली पुलिस में तैनात इस हेड कांस्टेबल की गायकी की न सिर्फ प्रशंसा की बल्कि दोनों ने मिलकर मोहब्बत के गीत भी गाए हैं। लॉन्चिंग हुई है और हमारे अजीत कुमार जी ने इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में गाया है। वैलेंटाइन डे जो है हमारी नज़र में हर दिन है, जिस दिन भी हम खुश हैं वो हमारी दोस्ती का दिन है, प्यार का दिन है, खुलूस का दिन है। तो पहले और बाद से जो था आज उससे भी ज़्यादा खुशी है कि कम से कम म्यूजिकल एक चीज़ रिलीज हो रही है, वो एक अलग चीज़ होती है। एक दोस्त से दूसरे दोस्त की दोस्ती का एक जश्न होता है और वो एक वक्त हो रहा है, मगर संगीत एक ऐसी चीज़ है जो उसकी तरफ से एक रूह की जगह है। कलाकार बनाया नहीं जाता, कलाकार बन के आता है, उसकी सिर्फ पॉलिशिंग की जाती है। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि हमारे अजीत जी हमें अपना गुरु की तरह मानते हैं। इनकी आवाज़ में जितनी मधुरता है ये बतौर कांस्टेबल अपने काम में उतने ही माहिर हैं। गौरतलब है कि अजीत कुमार ने दिल्ली में चर्चित सिरकटी लाश मामले की गुत्थी सुलझाने में अहम योगदान दिया था। इसके अलावा दर्जनों कुख्यात बदमाशों को हवालात की हवा खिलाने में दिल्ली पुलिस की मदद की है। इनका कहना है कि यहां तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का भी बेहतर सहयोग रहा है। सर से मुझे आज इतना सारा आशीर्वाद मिला, मैं यही बोलना चाहूँगी।
अभिषेक कपूर के साथ राखी पुदार, NN न्यूज दिल्ली। दिल्ली से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NN न्यूज दिल्ली NCR। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। दिल्ली और NCR की खबरों के लिए देखते रहिए NN न्यूज दिल्ली NCR। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।